नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी बदतमीजी, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो जी ने। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो बस हर बात पर गला घोंट देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। इसके पूछने की ज़रूरत ही क्या थी, बस फकत लड़ाई मोल लेना चाहती हो। लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूँ कि आप? सारे हमसाए अच्छी तरह जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए तो एक बरस तक मैं तुमसे कोई तलख बात की है ना श्री? श्री, बात करने का आपको सलीका ही कहाँ आता है? नौकर को आवाज़ देकर बुलवाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि आप उसे गोली से हलाक करना चाहते हैं। मेरे पास बंदूक ही नहीं, वैसे मैं खरीद सकता हूँ, मगर उसको चलाएगा कौन? मैं तो पटाखे से डरता हूँ। आप बनिए नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। अब मैं फ्रॉड बन गया? आप हमेशा से फ्रॉड थे। ये फैसला आपने किन वजूह पर कायम किया? आप जब पांचवी जमात में पढ़ते थे तो क्या आपने अब्बा जी की जेब से 2 रुपए नहीं निकाले थे? निकाले थे। क्यों? इसलिए कि भंगी की लड़की को ज़रूरत थी। इसीलिए कि वो भंगी की लड़की थी, बहुत बीमार। वालिद साहब से अगर कहा जाता तो वो कभी एक पैसा भी उसे ना देते। मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि उनके कोट से 2 रुपए निकाल कर उसको दे दूँ। ये कोई गुनाह नहीं? जी हाँ, बहुत बड़ा सवाब है। बाप के कोट पर छापा मारकर आप तो अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत में अपनी सीट बुक कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ कि उसकी सज़ा आपको इतनी कड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी हर रोज़ साफ़ की जाती है, अब इतनी साफ़ हो गई है कि जी चाहता है कि इस तबीयत को कीचड़ में लथपथ कर दूं, ताकि तुम्हारा मशगला जारी रह सके। ये कीचड़ में तो आप हर वक्त लिथड़े रहते हैं, ये सरासर बोहतान है। बोहतान क्या है? हकीकत है। आप सर से पांव तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। आपको किसी नफीस चीज़ से दिलचस्पी ही नहीं। बात करेंगे तो गलाजत की, नहाते आप नहीं। गजब खुदा का, मैं तो दिन में 3 मरतबा नहाता हूँ। वो भी कोई नहाना है? बदन पर 2 डींगे पानी के डाले, तौलिए से अपना नीम खुश्क जिस्म पोछा और गुसल खाने से बाहर निकल आए? 2 डोंगे तो नहीं, कम अज कम 20 होते हैं, तो उनसे भी क्या होता है? क्या आपने आज तक कभी साबुन इस्तेमाल किया है? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि साबुन जिल्द के लिए बहुत मुज़िर है। क्यों? इसलिए कि इसमें ऐसे तेजाबी मादे होते हैं जो जिल्द का सत्यानाश कर देते हैं। मेरी जिल्द तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई। आपकी जिल्द बहुत ही नाजुक होगी। नाजुक होने का सवाल नहीं, ये एक साइंटिफिक बहस है। मैं साइंटिफिक कुछ नहीं जानती, बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप साबुन क्यों इस्तेमाल नहीं करते? भाई, तुम्हें बता तो चुका हूँ कि ये मुज़िर है, तो आप नहाते किस तरह हैं? नहाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पानी डालते गए और नहाते गए। जिस्म पर आप कोई चीज़ नहीं मलते, मेरा मतलब है साबुन नहीं तो कोई और चीज़। मना करता हूँ। क्या? बेसन। वो क्या होता है? अरे भाई, चने का आटा। आपकी जो बात है निराली है। मैं तो आप ऐसे सनकी से खुदा कसम तंग आ गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ। अपने मैके चली जाओ, वहाँ तुम्हें अपनी हम ख्याल मिल जाएंगी। मैं क्यों जाऊँ वहाँ? मैं यहीं रहूँगी। मैंने तुमसे आज ही कहा, इसलिए कि तुम लाख मरतबा मुझे धमकी देती रही हो कि मैं चली जाऊंगी अपने मैके। मुझे जब जाना होगा चली जाऊंगी। आज तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती। आप मुझे चिढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहती हो कि कोशिश करूं, तो यकीन मानो
तुम अभी तांगा लेकर स्टेशन पहुंच जाओगी। कोशिश करके देख लीजिए, मैं यहाँ से एक इंच नहीं हटूंगी। ये मेरा घर है। आपका है? आपके बाप दादा का है? लेकिन ये तो बताइए, मेरे बाप दादा का नाम मत लीजिए, उन बेचारों का क्या कसूर था? कसूर तो सारा मेरा है। लेकिन बेगम, तुम कभी कभी इतना गौर कर लिया करो कि मैंने आखिर तुम्हें कौन सा जानी नुकसान पहुंचाया है कि तुम लठ लेकर मेरे पीछे पड़ जाती हो। लठ तो हमेशा आपके हाथ में रहा है, मैं तो उसे उठा भी नहीं सकती। तुम बड़े से बड़ा गुर्ज उठा सकती हो, तुम ऐसी औरतों में बला की कुव्वत होती है। तुम उकाब हो, तुम्हारे सामने तो मेरी हैसियत एक चिड़िया की सी है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आप चिड़िया हैं? सुभान अल्लाह, जब कड़कते और गरजते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शेर दहाड़ रहा है। इस शेर को पहले एक नज़र देख तो लो। क्या देखूं? 15 बरस से देख रही हूं। ये खास कर शेर है क्या? शेर है, मगर खाक में लिपटा हुआ। इस तारीफ का शुक्रिया। अब आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहती थीं? आप इतने लायक फायक बने फिरते हैं, समझिए कि मैं क्या कहना चाहती थी। तुम्हारी बातें तो सिर्फ खुदा ही समझ सकता है, मैं क्या समझूंगा? खुदा को बीच में क्यों लाते हैं? खुदा को अगर बीच में ना लाया तो कोई काम हो ही नहीं सकता। बड़े आए हैं आप खुदा को मानने वाले। खुदा को तो मैं हमेशा से मानता आया हूँ, वो ताकत जो दुनिया पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आप मुझ पर करते आए हैं। किस किस्म का? हर किस्म का। मैं आज तक अपनी मर्जी के मुआफिक कोई चीज़ नहीं कर सकती। कपड़े लेती हूँ तो उसमें आपकी मर्ज़ी का दखल होता है। खाने के बारे में भी आपकी मर्ज़ी चलती है, आज ये पके कल वो पके। इसमें तुम्हें एतराज़ है? एतराज़ क्यों नहीं? मेरा जी अगर कभी चाहता है कि ओझड़ी खाऊं तो आप नफ़रत का इजहार करते हैं। ओझड़ी भी कोई खाने की शय है? आप क्या जाने कितनी मज़ेदार होती है। चूने में डालकर उसे साफ़ कर लिया जाता है, उसके बाद अच्छी तरह घी में तला जाता है। अल्लाह कसम, मज़ा आ जाता है। लाहौल वाला, मैं ऐसी गलत चीज़ को देखना भी पसंद नहीं करता। और टिंडे? बकवास है, सब्जी की सबसे बड़ी तौहीन है। इनमें कोई रस होता है ना लज्जत, बस फकत टिंडे होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो पैदा किस गरज के लिए किए गए थे। निहायत वाहियात होते हैं। मैं तो अक्सर ये दुआ मांगता हूँ कि इनका वजूद सिरे ही से गायब हो जाए। बड़े बेजान होते हैं, उनके मुकाबले में कद्दू बदर जहाँ बेहतर है, हालांकि वो भी मुझे सख्त नापसंद है। आपको कौन सी चीज़ पसंद है? हर अच्छी चीज़ में आप कीड़े डालते हैं। भिंडी आपको पसंद नहीं कि इसमें लेस होती है। गोभी आपको नहीं भाती कि इसमें ये नुक्स निकाला जाता है कि बदबू होती है। टमाटर आपको अच्छे नहीं लगते इसलिए कि इसमें छिलके हजम नहीं होते। तुम इन बातों को छोड़ो, टिंडे गोभी और टमाटर जाए जहन्नम में। तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे क्या कहना चाहती थी। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आ गई। मैंने देखा कि आप कोई काम नहीं कर रहे तो आपके पास आकर बैठ गई। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना होगा आपको। आपसे अगर कुछ कह भी दिया तो इसका हासिल क्या होगा? जो आगे आपको हासिल होता रहा है उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ हासिल किए बगैर टलेंगी कैसे? मैं आपसे एक ख़ास बात करने आई थी। क्या? मैं ये कहने आई थी कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे समझाऊं। आप क्या समझाने आई थी मुझे? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं ये कहने आई थी कि आप पतलून पहनकर उसके बटन बालकनी में बंद ना किया करें। हमसायों को सख्त एतराज़ है, ये बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप
मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।